आज है मेरी सिस्टर इन लॉ की एनिवर्सरी, तो आज उनको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं, और ऐसे ही आगे लाइफ में अपनी बहुत सारी खुशियां उनको मिले, और मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। और आप दोनों की जोड़ी हमेशा ऐसी बनी रहे। तो हैप्पी एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू, दीदी और जीजा जी। भी मेरी फैमिली है, तो आप सब भी ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा मेरी दीदी और जीजा जी को, और वो ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। तो चलिए अब मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ, और ये रील्स आप अलग से देख सकते हैं हम दोनों के साथ की। तो आज मैं जा रही हूँ एक पार्टी में, शादी में, और तो आप लोग ज़रूर पूरा वीडियो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और काफ़ी दिनों के बाद हम हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मॉर्निंग के लगभग ये 8 साढ़े 8 बज रहे हैं, और यहाँ पे आरिका की क्लास स्टार्ट हो गई है, और मैं नहा के आ चुकी हूँ। और मैं आरिका को बोल रही हूँ कि आरिका आप पढ़ाई में ध्यान दो और मैं पूजा कर लेती हूँ तब तक, लेकिन आरिका को पता नहीं क्या चाहिए, वो मांग रही थी। तो यहाँ पे कुछ बातें कर रही है, मैं उसको बोल रही हूँ कि आप अपना पढ़ाई करो, तो मैं पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद फिर आप सबसे मिलूँगी। वो चॉकलेट मांग रही थी मेरे से। तो आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाए हैं पोहा। आरिका ने बोला मामा पोहा खाना है, बहुत दिन से नहीं खाया है। तो यहाँ पे पोहा, मूंगफली और यहाँ पे थोड़ी भुजिया डाल के हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया था। उसके बाद मैंने यहाँ पे देखिए, मैंने आरिका की आज हेयर स्टाइल बनाई है, कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। एक फ्रेंच चोटी मैंने बनाई थी, और आरिका को भी बहुत अच्छी लगी, और मुझे भी बहुत अच्छी लगी। उसे बनवाती नहीं है, बहुत मुश्किल से बनवाई थी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, हम लोग को कुछ काम था, तो हम लोग जा रहे थे सब्ज़ी लेने के लिए, हाँ सब्ज़ी लेने ही जा रहे थे। और यहाँ पे आरिका भाग भाग के बैठती है, मम्मा से पहले, मम्मा मैं बैठूँगी आप बाद में बैठना, मैं फर्स्ट आऊँगी। तो यहाँ पे हम लोग आ गए लंच फ्रेश में, और यहाँ से हम लेंगे कुछ सब्जियाँ, और बाकी जो भी सामान कम है या कुछ है वो हम ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि क्या कुछ चीज़ें ऐसी तो नहीं है जो नहीं है। उसके बाद हम सब्ज़ी लेके आ जाते हैं, और यहाँ पे मैं क्या क्या सब्ज़ी लाई भाई आपको दिखा रही हूँ। ये कंकोड़ा है, ये बहुत ही हेल्दी सब्ज़ी होती है, और बहुत सारी बीमारियों में काम, इससे शुगर बीपी सब नॉर्मल होता है। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सब्जियों को 2-3 पानी में अच्छे से धो लूँगी। उसके बाद यहाँ पे देखिए, मैंने जो बर्तन रखने की बास्केट होती है उसी में सबको मैंने निकाल के रख दिया है। उसके बाद मैं फ्रिज में रख दूँगी अच्छे से, इसको करके जब पानी निकल जाएगा धो के रखो तो बहुत आसानी रहती है बनाने में। तो आज मैं सोच रही हूँ क्या बनाऊँ, तो आज मैं बनाने ज़्यादा वाली हूँ हेल्दी है, ये इसके बहुत सारे फायदे हैं, आगे वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको समझ में आए कि इसे कैसे बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, खिक्सी को मैंने पहले से कट करके रखी हूँ, और ये एक मैंने बचा के रखी। बहुत फायदेमंद सब्जी, इसकी रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मेरे पुष्पलता किचन पे मिल जाएगी आपको। तो इस तरह से पतले पतले काट लेते हैं, और फिर इसको लहसुन के साथ छौंका जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैं थोड़ी सी सब्जी का कलर आपको दिखा रही हूँ, और तो आप देख लीजिए, ये जो है जो कोई सी भी ऐसी बॉडी में कि किसी प्रकार की बीमारी हो उन सबको दूर करने में ये बहुत फायदेमंद होती है। हेलो, उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था। आज मैं एक पार्टी में जा रही हूँ, शादी में जा रही हूँ, इनके ऑफिस के जो हैं कनिक हैं, उनके बेटी की शादी है, तो हम जा रहे हैं। और यहाँ पे ये शाम का टाइम है, लगभग 7 बज रहे हैं, और यहाँ पे अंधेरा जैसा हो रहा था, तो मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया है, और थोड़ा ही शूट किया है। ये ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है, तो काफ़ी दिन पहले मैंने ये शूट किया था, लेकिन मैं भूल गई थी डालना, तो आज मुझे याद आया, तो मैंने सोचा कि ये भी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, ये भी आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। और काफ़ी दिनों से ब्लॉग था, तो आज मैं एक शादी में जा रही हूँ, आप लोग देखिएगा। वहाँ पे मैं बहुत सारे लोगों से मिलूँगी, अपने फ्रेंड्स से मिलूँगी, जो हमारे साथ के लोग हैं उनसे मिलेंगे।
बहुत अच्छा लगेगा। और हम ये मैं अपनी टाउनशिप में जा रही हूँ, जहाँ पे हमारी टाउनशिप है इनकी कंपनी की। परी के साथ आ, भागो नहीं, भागो नहीं, साड़ी नहीं पहनते हैं, अच्छी पहनी है आपने। ऐसे तो पहनते हैं हम, शादी वादी टाउनशिप आते हैं बहुत, हम बहुत शादी वादी नहीं पहनते हैं, घर घर में तो नहीं हो पाते। बात कभी बाद ही हो जाता है। अब मैं पकड़ू, वो देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब मेरी फ्रेंड्स हैं, और यहाँ पे हम थोड़ी फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं, काफ़ी दिनों के बाद मिले हैं। और उसके बाद फिर हम पार्टी एंजॉय करते हैं, मैं कोई शूट नहीं करती हूँ। बहुत अच्छी अरेंजमेंट था, बहुत अच्छा पार्टी था, बस थोड़ा सा ही मैंने शूट किया क्योंकि वहाँ पे सारे जानने वाले लोग थे, तो मैंने नहीं शूट किया ज़्यादा।